भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया भतोड़िया चौक के समीप निर्माणाधीन होप हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों की हथियार से लैस 20 से 25 बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में 3 सुरक्षा कर्मी के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। गार्ड का कहना है कि कंजिया निवासी अजय इंडन के मालिक अजय भारती और उनके सीआरपीएफ साढ़ू 20 से 25 गुंडों को लेकर आए और मारपीट करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज अरविंद आनंद ने मधुसूदनपुर थानेदार पर भी आरोप लगाए हैं। अरविंद ने कहा कि ये सब थानेदार की सह पर हो रहा है। आरोपियों को थानेदार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने बताया कि गार्ड के साथ पहले भी मारपीट हुई थी। 24 अप्रैल को गार्ड लालू यादव ने आवेदन भी दिया था पर थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मारपीट की घटना हुई है, 24 अप्रैल की घटना की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे कोई लिखित आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है, आरोप बेबुनियाद है। ड्यूटी में सोए हुए थे, ड्यूटी मेरा नहीं था यहाँ, मेरा आईपीएफ सिक्योरिटी का हम लोग ड्यूटी करते हैं, यहाँ गार्ड में ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल का, और यहाँ अजय भारती उसका एगो सीआई सब साढ़ू है, क्या नाम है उसका, हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं, गैस इंडियन का, और उसका क्या नाम है वो अजीत चौधरी। 20-22 आदमी आया था, चार चक्का से लाल कलर की गाड़ी है, हम गाड़ी को पहचानेंगे, देखेंगे तो उसका नंबर हम बता देंगे, नंबर हम नहीं देख पाए, ठीक है। और यहाँ आया, लाठी डंडा से हम लोग को मारपीट करने लगा, सारा गार्ड को मारा है, मेरा सर फोटा फोड़ा है। किस वजह से मारपीट हुआ है अब कंपनी जानेगी, हम नहीं जानते हैं, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। कितने बजे घटनी हुई है? अभी 10 मिनट पहले, एक FIR पहले कर कब किए थे? 24 चार दिन पहले हम किए थे। वो हमको धमकी दे रहे थे, अजय इंडियन, कौन क्या नाम है उनका, अजय भारती, कि तुम उठा लो केस, नहीं उठाएगा तुमको गोली मार देंगे। किस वजह से अब हमको नहीं पता है सर, ये कंपनी लिया है क्या, हॉस्पिटल लिया है क्या, लिया है नहीं लिया है वो हमको नहीं पता है। हम आईपीएफ सिक्योरिटी से हैं यहाँ, और वो अपने डॉक्टर को जो दिए, डॉक्टर साहब को जो दिए हैं ये लिस्ट पर, वो हमारे हमको नहीं पता। ठीक, आईपीएफ सिक्योरिटी के गार्ड को जो होप हॉस्पिटल पे कायदत है, जो कन्या बाईपास पर है, उसके साथ में अजय इंडियन गैस का जो मालिक है अजय भारती, और उसके कुछ गुंडों के द्वारा आईपीएफ सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी करते हुए रात्रि परी में उसे मारा गया, नाइट ड्यूटी में उसको मारा गया। पहले भी 5 दिन पहले मारा गया था, लिखित एप्लीकेशन दिया गया था मधुसूदनपुर थाने को, मधुसूदनपुर थाने का जो प्रभारी है कौन अली साहब है, उनको दिया गया था, उन्होंने कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किए, और अजय इंडियन वाले को, अजय गैस वाले को और प्रोटेक्ट किए, ठीक है। आज यदि वो कर लिए होते 5 दिन पहले तो ये हाल नहीं बनता। किस द्वारा आकर के बंदूक पिस्तौल के साथ में ये 50 लोग आए और मारपीट फिर से किया, मेरे सारे गार्ड को वो घायल किया, जितना भी सिक्योरिटी गार्ड है सबको मारा पीटा हो। इसका वजह क्या है मारपीट का? वजह कुछ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड अपना ड्यूटी कर रहा है, वो सुरक्षा कर रहा है, यही वजह और क्या है। वजह कोई सुरक्षा गार्ड तो चोर नहीं होता, कोई गुंडा तो नहीं होता है। यह मकान किनका है? यह मकान किनका है? अरे मकान ही हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल। हाँ, भागलपुर में रफ्तार का कहर फिर से एक बार देखने को मिला। कार में सवार होकर कुछ लोग 0 माइल से लोदीपुर की तरफ स्विमिंग पूल में नहाने को जा रहे थे। इस बीच दूसरी तरफ से अनियंत्रित ट्रक द्वारा कार को टक्कर मार दिया गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे बिजली के पोल से जा टकराया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा कार का शीशा तोड़कर बाहर निकालकर मायागंज अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं मौके पर घटनास्थल से ट्रक चालक फरार हो गया। घायलों में श्रेया और कुमार सुंदरम का इलाज मायागंज में चल रहा है, वहीं एक का अन्य प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही सबसे पहले 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल को कार से निकाला और उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया। 112 गश्ती वाहन में SI विवेकानंद, चालक प्रेम कुमार, महिला सिपाही प्रिया यादव ने मिलकर घायलों को तत्परता दिखाते हुए अस्पताल पहुंचा और समय पर उनका इलाज किया गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा क्रेन से गाड़ी को निकालकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर हम लोग गए थे सचिदानंद नगर, एक दोनों भाई में विवाद, उसको कॉल आया था देखने के लिए, ठीक है। वहाँ से चलने वक्त फोन कर दिया कि ये वो एक्सीडेंट हो गया है। हम बिना कॉल का गए वहाँ, गाड़ी को साफ ऐसे पलटी मारे हुए देखे, इस सबको तुरंत गाड़ी पर चढ़ा के और 0 माइल थाना को सूचना दे के तुरंत मायागंज में। कहाँ पर घटना घटी है? ये जगह का नाम है सर हवाई अड्डा के पूर्वी साइड रोड, गोपालपुर काली मंदिर। कितने लोग घायल है इसमें? घायल है लगभग 4 और थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 2-3 को ज्यादा।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के लालूचक अंगारे स्थित भट्टा रोड में किराए के मकान में रह रहे एक छात्र ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE मेंस में कमाल कर दिया है। छात्र मूल रूप से मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर डठैता का रहने वाला है। 25 अप्रैल को JEE ने रिजल्ट जारी किया, जिसमें शैलेश पाठक के 17 वर्षीय पुत्र आर्यन ने JEE मेंस परीक्षा में 95% अंक लाया है और वो अब JEE एडवांस की तैयारी में जुट गया है। बचपन से आर्यन को पढ़ाई का काफी शौक था और कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, जिसको लेकर वह काफी समय से तैयारी कर रहा था। पिता उड़ीसा में बिजनेस करते हैं और वो अपनी माँ और बहन के साथ रहकर पढ़ाई करता है। माँ रूपम पाठक ने बताया कि बचपन से ही इसे पढ़ाई का काफी शौक था और आर्यन 15 से 16 घंटे की कड़ी मेहनत करता था। हालांकि उसकी बहन आकांक्षा झा ने भी पढ़ाई में उसे काफी सहयोग किया। आर्यन की परीक्षा में अव्वल आने से परिवार में काफी उत्साह का माहौल है, वहीं परिवार वाले उसे बधाई देने घर आ रहे हैं। माँ की खुशियों का ठिकाना नहीं है, परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर आर्यन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आर्यन ने बताया कि वो अब JEE एडवांस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि IIT में जाकर एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना ही उसका लक्ष्य है। मतलब ज्यादातर टाइम अपना सेल्फ स्टडी में देते थे, जिसके कारण से भी हुआ ऐसा। और आगे मेरा है, मतलब हम चाह रहे कि कंप्यूटर साइंस लेके अच्छा ऐप डेवलपर या फिर कोडर का काम करेंगे, यही हम सोच रहे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन भर? टोटल मिला के क्लास टाइम और ऐसे सेल्फ स्टडी मिला के 16 घंटा, और मतलब ऐसे और फिर अदर जो हॉलीडेज रहता था उसमें ज्यादा। सबसे ज्यादा सहयोग किनका मिला है? पापा का। सबसे ज्यादा हमको सहयोग पापा का मिला है। किस तरह से? पापा मोटिवेट हमेशा करते थे हमको कि अभी कुछ कर लो तो बाकी आगे बस तुम्हारा राज ही राज है, एकदम आराम से तुम खाओगे, एकदम आराम से जो भी करना हो तुम्हारा सब लाइफ सेट हो जाएगा। बस वही चीज हम पापा का हमेशा सोच के रखे कि नहीं, हमको आगे कुछ ना कुछ अच्छा करना है। अभी जो पापा मेरे लिए कर रहे हैं, हमको उससे बहुत ज्यादा बेहतर पापा के लिए करना है। मुझे बहुत प्राउड है अपने भाई पे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मेरे फैमिली को खुश, मेरे फैमिली पूरा खुश है इसके लिए कि इतना अच्छा किया। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने भाई के लिए। मुझे भी सब चीज बताता था कि ऐसे आगे जाओ, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। आज इसको देख के मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छे लेवल पे चला गया। बहुत ज्यादा खुशी है, जैसे कि हर एक माँ बाप को होती है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, खुशी होती है। उसी तरह से हमको भी आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और इसे अच्छा और बेहतर करे बच्चा। तपती गर्मी और लू के थपेड़े ने लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। आजकल दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रह रहा है, जिसके चलते लोगों में गर्मी के चलते काफी परेशानियां आ रही है। लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों की नींद पूरी नहीं होने के चलते लोग परेशान हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। वहीं शहर के सुश्रुत विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने इस गर्मी से बचाव के लिए कई नसीहतें दी है। उन्होंने कहा लोगों को जरूरत भर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, किसी तरह के कार्य को लोगों को सुबह या शाम में करना चाहिए ताकि लू
की चपेट में न आए। उन्होंने गर्मी को लेकर कहा कि शिशु को उचित कपड़े पहनाएं, अधिक से अधिक पेयजल का सेवन करें। अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी तेजी में है, बहुत तेज धूप पड़ रही है और यहाँ तक कि स्कूल का टाइमिंग बहुत कम करना पड़ रहा है। 10:30-10 बजे बच्चे घर से आ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आप बाहर निकलें तो सोच समझ के निकलें, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे को लू लग सकती है, बच्चे अचानक से आपके गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में यदि आपको बाहर जाना ही है तो धूप जिस समय कम रहे उस समय जाइए, और यदि धूप में बहुत ही निकलना आवश्यक हो तो स्वयं जाइए, बच्चों को घर में छोड़ कर जाइए, और यदि साथ में बच्चे ले जाना मजबूरी है तो उसको माथे पर कपड़ा वगैरह डाल के ठीक से कि ऊपर से ढका रहे, छाता का प्रयोग करें, और इसमें पानी का हाइड्रेशन ध्यान में रखें, बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाएं, घर भूखे पेट बाहर नहीं ले जाएं, साथ में प्रचुर मात्रा में पानी पिलाएं, पानी का बोतल रखें। तो ये सब करने पर हो सकता है थोड़ा लू का असर कम कर। लू यदि लग गया तो उसमें दो तरह से होता है, एक होता है हीट एग्जॉशन, एक ही की स्ट्रोक। एग्जॉशन में क्या होता है कि लंबे समय तक धूप में रह गया, पानी शरीर से बहुत कम हो गया तो डिहाइड्रेशन का लक्षण आएगा, पानी ज़्यादा प्यास लगेगा, सुस्त हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, तो और बेचैनी बढ़ जाएगी। तो ये हुआ हीट एग्जॉशन और उसमें पेशाब भी कम हो जाएगा, तो उसको रिहाइड्रेट करना है, पानी पिलाना है, ज़रूरत पड़ने पर सलाइन भी देना पड़ेगा। दूसरा होता है हीट स्ट्रोक, तेज़ गर्मी यदि कुछ देर के लिए पड़ गया तो हीट स्ट्रोक कहलाता है और बॉडी का टेम्परेचर सिस्टम डीअरेंज कर देता है और तेज़ बुखार जलन होता है, बुखार की दवा से भी नहीं उतरता है और वो कई दिनों तक बना रह सकता है। उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी की प्रचुर मात्रा करें, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें और शरीर को ही नहीं पूरे शरीर को, माथा को सब पोछें और ज़रूरत पड़ने पर दवा लें, नहीं तो किसी भी बच्चे को चमकी हो सकती है, बेहोशी आ सकता है और भी बहुत सारी समस्या आ सकती है।